नमस्ते समीक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका.com पर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आजकल जो रियलिटी शोज़ हैं उन शोज़ में जो क्लासिकल डांस है उसको लेकर एक क्रेज़ बढ़ा है। अभी डांस प्लस 3 में एक ग्रुप था जो टॉप 6 तक पहुंचा था, तो क्या वाकई में लगता है कि अब दौर फिर से लोग लौट रहे हैं क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ? दौर लौट रहे हैं, मुझे लगता है ये थोड़े शब्द हमें बदलने चाहिए, क्योंकि दौर तो हमेशा से ही रहा, तभी वो एक आर्ट फॉर्म अभी तक सदियों से चला आ रहा है। एज इट इज़ जैसा था वैसा ही कुछ लोग कैरी कर रहे हैं। ये जो दौर है कि कभी आना फिल्मों में, कभी फिल्मों में नहीं आना, कभी उसका कमर्शलाइजेशन होना, कभी नहीं होना, कभी सिर्फ एक तबके तक रह जाना, कभी पूरे समाज में उसका वितरण हो जाना, तो ये दौर आते जाते रहते हैं। पर डांस का जो एक माहौल है, जो लोग वर्ग इसको कर रहा है, वो हमेशा से ही कर रहा था, अभी भी कर रहा है और हमेशा ही करता रहेगा, क्योंकि ये इस तरह से है। आप इसको इस तरह से एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा है। आप पिज़्ज़ा डेली नहीं खा सकते, कभी आएगा पिज़्ज़ा, कभी आएगा बर्गर, बट एक रोटी सब्ज़ी जो हमारा इंडियन फूड है वो हमेशा रहेगा। तो उसी तरह क्लासिकल डांस है, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। तो आपको कब लगा कि मुझे इस जो क्लासिकल जो डांस है यही मुझे सब्ज़ी पसंद है पिज़्ज़ा बर्गर से ज़्यादा? घर में माहौल था। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी, मेरी मदर जो हैं वो खुद थिएटर करती थी, अच्छी आर्टिस्ट थी, तो एक टेस्ट डेवलप होता है। जब आप छोटे होते हो, जो चीज़ें आप देखते सुनते बड़े होते हो, उन्हीं चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो। घर में टीवी नहीं था, टीवी देखने का बहुत क्रेज़ नहीं था हम लोगों को। तानसेन समारोह देखने जाते थे, बहुत सारे थिएटर शोज़, फिल्में, उस तरह की फिल्में देखते थे जो क्लासिकल डांस से रिलेटेड कुछ हो। तो बचपन से ही वो इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। जब मैंने एमए कर लिया तब हम बहुत सारे यूथ फेस्टिवल वगैरह कर चुके थे, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंट किया हमने, काफ़ी सारी प्राइजेस जीती। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं स्टडीज़ में नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे सिर्फ डांस में इंटरेस्ट है। तब एकदम मैं मोल्ड हो गई डांस की तरफ। और जो क्लासिकल डांस ही मैंने क्यों चुना, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये डांस सिर्फ आपको आप डांस कर रहे हो ऐसा नहीं है, फुली मेडिटेशन, और आपको एक अलग वर्ल्ड में आपको ले जाता है। तो जब आपको परफॉर्म करते हो तब आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो वो लालच जो आता है उस एक्सपीरियंस का, वो नहीं छोड़ पाता डांसर। अच्छा, एक बतौर एक मतलब एक डांस आर्टिस्ट आपको लगता है कि क्या एक कल्चरल जो मतलब सांस्कृतिक जो डांस है, ये इंडियन ट्रेडिशनल डांस है, इसके ज़रिए इसे एक प्रोफेशन बनाया जाता है, इसके ज़रिए घर चल सकता है अगर कोई इसको प्रोफेशन नहीं, बिल्कुल चल सकता है। मेरे हस्बैंड खुद क्लासिकल सिंगिंग में है, मैं डांसिंग में हूँ, बिल्कुल चल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको लगातार करते रहना पड़ता है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, अगर आप एक आईएएस बन रहे हैं, आपने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, यू आर सेटल, आप आईएएस बन गए। आर्टिस्ट में ऐसा नहीं है, आप डॉक्टर भी बनेंगे, आपने एक डिग्री ले लिया, यू आर सेटल। वो अच्छा है कि आप अपना नॉलेज बढ़ाते जाएँ, पर डांस में ऐसा नहीं है। कोई भी एक एग्ज़ाम नहीं है कि आपने ये पास किया और आप डांसर। एक थ्रू आउट लाइफ टाइम जर्नी है, तो अगर आप उससे जुड़े रहते हैं तो मुझे नहीं लगता फाइनेंशियली आपको बहुत मुश्किलें आती हैं। अपने आप चीज़ें आपके पास आती रहती है, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में करते रहना पड़ता है। कोई पॉइंट नहीं है कि बस अब हो गया, मतलब साधना। हाँ, एक साधना के तौर पर आपको आजीवन इसको अपनाना पड़ता है। अच्छा, चूँकि अब आप सिखाती भी हैं, तो बच्चों में आपको किस तरीके का रुझान दिखता है, कैसा क्रेज़ है? क्या सिर्फ वो टीवी को देखकर इंस्पायर हो रहे हैं या किस वजह से अब आते हैं क्लासिकल डांस? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगदान होता है गुरु का। जैसा टीचर है वो बच्चों को जैसे चाहे वैसे मोल्ड कर सकता है। मतलब मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि कहीं और भी कथक सीखते थे, भाई 4 क्लासेस किया, छोड़ दिया, उसका इंटरेस्ट खत्म। मेरे पास आके बच्चे जाना ही नहीं चाहते, टचवुड। मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है। वो शायद मुझे आइडियल समझते हैं कि हाँ मैम अभी तक कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उस ढंग से वो लोग उस चीज़ों को लेना शुरू करते हैं, रियाज प्रॉपर करते हैं, तो अपने आप इम्प्रूवमेंट आता है। जब इम्प्रूवमेंट आता है तो आपको चीज़ें अपने आप अच्छी लगने लगती हैं। तो इंटरेस्ट तो सिर्फ एक गुरु का काम होता है उनमें। पौधारोपण जैसे नहीं, बीज आपने डाल दिया तो वो अपने आप ही बन जाएगा वृक्ष, अगर उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उस बच्चे का डांस में। बाकी हर इंडिविजुअल पर्सन अलग होता है। अच्छा, एक आर्टिस्ट के तौर पर आप क्या समझती हैं कि शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य को लेकर अभी क्या ज़रूरत है, क्या और इसमें काम होने की दरकार है? शास्त्रीय नृत्य और संगीत को लेकर काम तो काफ़ी हो रहा है। जैसा आपने अभी खुद ही कहा कि रियलिटी शोज़ में भी इन चीज़ों को प्रमोशन मिल रहा है, तो काम तो काफ़ी हो रहा है। और जागरूकता लाने के लिए मुझे लगता है स्पिक मैके बहुत अच्छा काम कर रहा है। जगह जगह वर्कशॉप्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। मैं खुद पूरा भारत भ्रमण कर चुकी हूँ स्पिक मैके के माध्यम से, और एक टूर में हम करीब 1000 बच्चे एक बार में 1000 बच्चों का एक दिन में हम लोग वर्कशॉप लेते हैं, तो उन्हें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सिर्फ आप इस आपको इस चीज़ को स्प्रेड करना है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है। टीवी से हटकर भी कोई इंटरटेनमेंट है जो आपको इंटेलेक्चुअल भी इम्प्रूव कर सकता है, आपको फिजिकल भी इम्प्रूव कर सकता है, आपको एंटरटेन भी कर सकता है, तो लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है, तो इसके प्रति अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आपने भारत के अलावा भी कई देशों में जाकर परफॉर्मेंस किया है, तो क्या महसूस हुआ वहाँ की ऑडियंस में, क्या अंतर देखती है जो भारत की ऑडियंस है वहाँ की ऑडियंस आपको किस तरीके से लेती है कंपैरेटिव अगर बात करें? इंडिया में जो परफॉर्मेंसेस होते हैं तो डिपेंड करता है। यहाँ पर जैसे अगर हम दिल्ली में परफॉर्मेंस करें तो ऑडियंस दक्ष है, ऑडियंस को पता है ये डांस है और ये इन्होंने कलाकारी की। दिल्ली से बाहर के जो ऑडियंस है, जैसे मैं आज भी यहाँ पे परफॉर्म करूँगी, लोगों को नहीं पता। लेकिन अगर आपके काम में वो क्वालिटी है, अगर आपका उतना रियाज है और आपकी परफॉर्मेंस में आपने उतनी साधना की है, तो वो किसी भी तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। अब ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ की जो ऑडियंस है उन्हें लगता है अरे कथक ही तो है, तो वो ठीक है, उनको लगता है कि कथक ही तो है, वो उसको उस इंटरेस्ट से देखना ही नहीं चाहते। बाहर की जो ऑडियंस है उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है सिर्फ डांस नहीं, कॉस्ट्यूम, मेकअप, बिंदी लगाना। इनफैक्ट कई देशों में तो हमसे पूछा वेनेजुएला में आप ये क्या लगाते हो, तो ये महावर आलता हम लोग लगाते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती है। तो वो ऑडियंस बिल्कुल अननोन होती है, तो उनको बहुत वो क्यूरोसिटी के साथ देखते हैं, तो जो भी चीज़ हम एनर्जी थ्रो करना चाहते हैं वो तुरंत पिक कर लेते हैं। यहाँ के लोग पहले से ही 50% मूड बना के बैठते हैं, ठीक है कथक ही तो है लेकिन उसके बाद अगर हम उसमें अपनी पूरी तल्लीनता से उनको करवाते हैं या समझाते हैं या अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देते हैं तो वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है